हल कर दो मेरे मुश्किल कुशा तुम हो। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ रूहानी सिस्टर्स मौजूद हैं और आपको पता ही है कि उनके सॉन्ग्स उनके नाम की तरह बहुत रूहानी और खूबसूरत है, तो आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप सॉन्ग कंपोज करते हैं तो क्या सोचते हैं, क्योंकि आप दो लोग हैं, दोनों लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, तो कैसे क्या आप मैनेज करते हैं? तो मज़ा आता है क्योंकि जब दो अलग एक तरह से हम जब कंपोज करने बैठते हैं तो स्टार्ट ये करते हैं, उसके बाद मैं इनको टोकती हूँ कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है इसको चेंज करते हैं। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है किसी भी एक सक्सेसफुल और रूह की वाली कॉम्पोजिशन बनाना एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि उसके लिरिक्स अच्छे होने चाहिए, फिर आप रागदारी चुनते हो कि अगर हमने इस लिरिक्स को सुना है तो इस पे कौन से राग या कौन से स्वरों को हम लोग चुने जो उसको और चार चांद लगाए, उसमें फील दे, क्योंकि हर लिरिक्स और उसकी फील के हिसाब से हम लोग रागों को चुनते हैं। अगर उसमें पेन है तो हम कोमल स्वरों को लेंगे, उसमें अगर हैप्पीनेस है, रोमांस है, तो हम लोग मानिए कि मारू बिहाग लेंगे, हम लोग उसमें यमन राग, तो क्योंकि हर राग का भी अपना एक रस है, एक रस है, तो ये बहुत हम लोगों ने ध्यान में लिया। बाद मेरा ये जानना था आपसे कि अभी आपने पंजाबी में गाया है, अब आगे आप कोई और लैंग्वेज में गाएंगे या फिर और कुछ आपने डिसाइड किया? हिंदी पंजाबी में गाए, हिंदी भी मिक्सड है, लेकिन ऐसा नहीं है, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, उसमें पंजाबी भी है, उसमें हिंदी भी है, हम लोग उर्दू भी गाते हैं, अभी जहाने खुशरो में वी परफॉर्म्ड एंड वी हैव परफॉर्म्ड टू कलाम्स विच उर्दू। तो वी शुरुआत हम हमेशा फारसी मनकुंतो माला पाली, तो सब कुछ रहता है उसमें और इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी लैंग्वेजेस। प्लस हम कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाने की, अब हम फारसी कुछ गा गए और आपके सर के ऊपर से चला गया तो हमारे गाने का क्या फ़ायदा हुआ, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हम लोगों को सही तरीके से समझा पाएँ, ताकि उनको लगे कि अगर आज हम रूहानी सिस्टर्स को सुन के जा रहे हैं तो हम कुछ लेके जा रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, सो हम कुछ दे के उनको भेजते हैं, खाली हाथ हम किसी को नहीं भेजते। एक और मेरा लास्ट सवाल है कि जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो रॉकिंग और हिप हॉप में जाती है, तो उनको आप क्या कहना चाहती हैं, क्या सजेस्ट करना चाहती हैं, किस तरह से वो सूफी पे अट्रैक्ट हो? जहाँ तक रॉकिंग और इसका एक एक लिमिटेड ऑडियंस है और ये बहुत ही कम समय तक आप हमेशा यू कांट बी रॉकिंग, हमेशा यू कांट डांस योर सेल्फ, कभी ना कभी लाइफ का एक मोमेंट आता है जब आपको सुकून चाहिए होता है, जब आपको ऐसी गायकी को आप सुनना चाहते हो जो आपको सुकून दे, जो आप कभी भी सुन सकें, दिन में, रात में, या आपको वो आपको आपके दिल से अपनी अपनी जो दिली जो फीलिंग है उसे वो आपको रूहानियत की तरफ वो लेकर जाए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने से पहले सबसे पहले धड़कन देखी जाती है, बिल्कुल, इसीलिए इंसान के अंदर सबसे पहले लय आती है, तो इसीलिए जो फुट थम्पिंग जो नंबर्स होते हैं लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ में सबसे पहले लय आई है, सुर से पहले, रोने से पहले बच्चे ने दिल धड़कना शुरू किया, तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर आप रॉक की बात करें या किसी भी म्यूज़िक की बात करें, उसका अपना एक रंग है, अपना एक सुकून है, अगर कोई उसमें सुकून ढूंढना चाहेगा तो शायद रॉक में भी ढूंढ लेगा, लेकिन हम अगर अपनी पर्सनली बात करें तो हमें जो मिलता है सुकून वो सूफियाना में मिलता है, और हम चाहते हैं कि जो सूफियाना का जो थॉट है, जो इश्क है, जो पूरे संसार में जो पीस और हारमोनी जो फैलाने का जो उसका मोटिव है, वो हम अपने कलामों के द्वारा, अपने सुरों के द्वारा उसको पूरा कर सकें, और बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सभी की ब्लेसिंग्स चाहिए। एक लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आपके कलाम हैं इतने सारे, तो इनमें से आपको जो सबसे बेहतरीन लगता हो, जो आपको बिल्कुल टच करता हो, उसकी कुछ दो लाइनें सुना के हम ये ख़त्म करेंगे। मेरी मुश्किल को हल कर दो मेरे मुश्किल कुशा तुम हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 खूबसूरत आपने ये गाया है और आज की महफिल में आपने चार चांद लगा दिए कहा जाए तो, बहुत मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत टच करी आपकी लाइंस। कैमरामैन प्रेरित के साथ मैं अदीबा कुरैशी, SCN News, धन्यवाद।